हेलो भाई लोग, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से पीएससीसी में करेक्टर को ग्लो दे सकते हैं। मुझे पता है बहुत से लोगों को फोटोशॉप में मतलब ग्लो देने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, परेशानी होती है। काफी सारे बंदों का ग्लो अंदर की तरफ जाता है और काफी लोगों का ग्लो तो अच्छी तरीके से होता ही नहीं। तो मैं सारी प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करूंगा और वीडियो को बिना स्किप किए भी देखना, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी पार्ट मिस कर दिया तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो मेरे को मत कहना। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो बिना बातचीत किए वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं। सबसे पहले आपको पीएससीसी ऐप में एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेना है, मतलब ब्लैंक बैकग्राउंड, और आपको अपना कोई भी करेक्टर को ले लेना है। तो मैं भी एक करेक्टर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने ये वाला करेक्टर को सिलेक्ट किया है और इस करेक्टर से मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको ग्लो करना है। सबसे पहले आपको एक एम्प्टी लेयर ले लेना है और पुरानी वाली लेयर पे जाके सिलेक्ट पिक्सल कर लेना है। फिर आपको एम्प्टी लेयर पे जाना है और आपको फिल इन स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे जाके व्हाइट कलर का स्ट्रोक दे देना है, जिससे आपको एक पतली सी लाइन बन जाएगी। फिर आपको पेंसिल वाले टूल पे जाना है और लेयर को एक्सट्रैक्ट कर देना। आप लोग देख सकते हैं पतली सी लाइन आ गई है। आपको फिर से पेंसिल वाले टूल पे जाके डिसलेक्ट कर देना है। और बहुत से बंदे यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, डिसलेक्ट नहीं करते तो उनका ग्लो अंदर की तरफ जाता है। फिर आपको एफएक्स वाले टूल पे जाके 8 का ग्लो दे देना है। कोई भी कलर का ग्लो दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे येलो कलर का ग्लो दिया है। आपको एफएक्स वाले टूल पे जाना है और एक बार और ग्लो देना है, जिससे ग्लो आपका बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। और ये ग्लो का ब्लर लगभग 30 या 20 का दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे येलो के साथ ऑरेंज कलर दिया है और इसका ब्लर मैंने 20 रखा है। आप भी 20 या 30 के समथिंग रख सकते हैं। को इतना ब्लर देने के बाद डन कर देना है और ग्लो वाली लेयर पे जाके उसको लेनियर डोज कर देना है, जिससे आपके ब्लर में ब्राइट आ जाएगी और अच्छा भी लगने लगेगा। अगेन से आपको एफएक्स वाले टूल पे जाके एक बार और ग्लो देना है। इस बार ग्लो आपको लगभग 40 या 50 के अराउंड देना है। मैंने यहाँ पे 40 का ब्लर देके डन कर दिया है। ग्लो को और अच्छा करने के लिए एफएक्स वाले टूल पर जाना है आपको। फिर से स्टाइलेज वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके ग्लास को सिलेक्ट कर लेना है। आपको ग्लास का अमाउंट 10 या 20 रखना है। मैंने यहाँ पे 20 रख लिया है। 20 इस पर काफी बढ़िया लग रहा है, इसलिए मैंने 20 रखा है। आप लोग देख सकते हैं कि ग्लो के ऊपर नीचे बिल्कुल पतली पतली सी लाइन है, जो काफी ज्यादा बुरी लग रही है। एन वाले ऑप्शन पर जाके फेड को सिलेक्ट कर लेंगे और आपको ये वाला फेड ले लेना है। और इस तरह से जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उस तरह से आपको फेड देना है। इतना करने के बाद आपको डन कर देना है। फिर से आपको फेड वाले ऑप्शन पे जाना है और हेयर के ऊपर आपको फेड देना है, जिससे आपका हेयर कम ग्लो मारे। जिस तरह मैं फेड दे रहा हूँ आपको बिल्कुल उसी तरह से फेड देना है। इतना करने के बाद आपको डन करके सेव कर लेना है और आप देख सकते हैं आपका ग्लो बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको पिक्सआर्ट से थंबनेल बनाना सीखना है तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो पिक्सआर्ट से ही बेस्ट थंबनेल बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।